किन्नर हूँ तो क्या मेरी किस्मत में मोहब्बत नहीं? मैं किन्नर से कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। अब शुरू होगा एक नया अध्याय। तेरी ओर चला रे थामे कौन सी डोर चला रे। जिन्होंने किए थे साथ जीने मरने के वादे, क्या हुआ कि मिट गई उनके प्यार की सारी यादें। इसको डर लगता है ये तो लोगों को डरा दे। मैं परेशान नहीं करूंगी जॉली। जॉली मुझे अकेले डर लगता है। अच्छा मैं तुम पर कभी नाराज नहीं होंगी। बचाओ बचाओ। जॉली जॉली बचाओ बचाओ। जॉली प्लीज मत जाओ। बचाओ बचाओ। बचाओ मुझे बचाओ। क्या हुआ जॉली? जॉली मुझे बचा ले। क्या हुआ? मुझे बचा ले। बोलो मुझे मार देंगे। कौन मार देंगे? बोलो। पर जॉली कोई नहीं है यहाँ पर। अरे हम आपके। अच्छा ठीक है बचाती हूँ। रुको 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 बचाती हूँ। ये मैं खोल दूँ। क्या हुआ? अरे वो लोग मार देंगे मुझे। पर जॉली वहाँ कोई नहीं है। अरे मेरे कान मार देंगे। अच्छा ठीक है मैं शांत हो जाऊँ। शांत हो जाओ शांत हो जाओ। इतना पसीना बह रहा है। सका देख रहे तुम शांत लंबी सांस लो। कोई नहीं है। क्या फायदा हुआ हॉस्पिटल से इस तरह से भगाकर? अब यहाँ बैठे हैं ना घर जाने का रास्ता याद है और ना ही हॉस्पिटल वापस पहुंच सकते हैं। तो क्या चाहती है तू? सारी जिंदगी में वहाँ झाड़ू पोछा लगाते लगाते मर जाऊं? तुम्हारी तो वहाँ गुलाबो है ना यार। उसका तो बोली मत यार। समझ ही नहीं आता वो गुलाबो है भी या नहीं। क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देख अगर वो मेरी गुलाबो होती तो मुझे पुराना कुछ याद दिलाती ना। मेरे माँ बाप कौन है, मेरा नाम क्या था, मेरा घर कहाँ है। हमेशा एक ही बात कहती रहती, जब तुम्हें सब याद आ जाएगा ना। अरे जब सब मुझे याद आ जाएगा तो उसे याद दिलाने की जरूरत क्या मुझे? हो सकता है वो चाहती है कि तुम खुद याद करने की कोशिश करो, शायद तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। पता नहीं क्या चाहती है वो जो चाहती वही जानती है। अच्छा सुनो हमें ना वापस हॉस्पिटल जाने का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही होगा, वरना इस तरह से यहाँ क्या करेंगे? कैसे कैसे जाएंगे हॉस्पिटल? मैं जादूगर नजर आ रहा हूँ तुझे। मैंने गोल चश्मा लगा रखा, छड़ी घुमाऊंगा, हॉस्पिटल सामने प्रकट हो जाएगा तेरे। तो किसने कहा था भागने के लिए और साथ में मुझे लेकर आने के लिए? हर बात में लड़ा मत कर, यहाँ गला दबा के कहाँ गायब कर दूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं सॉरी 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 शांत हो जाओ कुछ नहीं बोलूंगी। एक तो वैसे ही रात होने वाली, फूटी कौड़ी नहीं हमारी जेब में, सारे पैसे वो रिक्शा वाला ले गया। कैसे जाएंगे अस्पताल? मुझे रास्ता भी याद नहीं अस्पताल का। जो भी होगा कल सुबह ही होगा। ये सब ना तेरी वजह से हुआ है, तू ही बनवाती है। तू जहां जहां आई है ना मेरा काम खराब ही हुआ है। ये सो जाए फिर हम अपना काम करके निकल लेंगे। छोड़ेंगे नहीं इसे, जल्दी सो जाए। Thank you.
मैं वहां भी गई थी। कहां चला गया है तू? नहीं रहा। माता रानी बता सकती है तेरा पता। मैंने भी कह दिया उससे, जब तक तेरा पता नहीं बताएगी मैं आरती नहीं करूंगी। आज शाम की आरती नहीं की मैंने। आज तक मैं इस बात की ईर्ष्या करता था कि हरमन अपने बाप से ज्यादा अपनी माँ को क्यों प्यार करता है, लेकिन आज उसके प्यार में तेरी तड़प, तेरा पागलपन देखने के बाद मुझे एहसास हो गया कि माँ के प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं होता। आख्या तेनु प्रीत, आख्या तेनु कि हरमन तेनु ज्यादा प्यार करे, आज मैं मान गया, आज मैंने मान लिया। मावा ठंडिया छावा। चलो जोर से पकड़े हुए। एक काम करते हैं, फोन करके बाकी सबको भी बुला लेते हैं, वो लोग बताएंगे क्या करना है। चल काली, खुशी, कहाँ जा सकते हैं वो लोग? उनके लिए ये शहर, यहाँ के लोग सब कुछ अनजाने हैं, और उनको नाम पता है ना, घर कहाँ चले गए? इसी बात की तो फिक्र है। खुशी, ये दोनों तो अलग ही नहीं हो रहे। अरे इसीलिए तो तुम्हें फोन करके बुलाया था। बेहोशी की हालत में भी दोनों ने ऐसे चकड़ के पकड़ रखा है, क्या करें अब? तो होश में ले आते हैं ना, लड़के को बांध देंगे और इसे लेकर के चले जाएंगे। हाँ चल चल, पानी लेके आ जल्दी से। हाँ चल जल्दी जाओ। छोड़ो, छोड़ो। कौन कौन है आप लोग? छोड़ो जॉली, कुछ करो ना। अबे छोड़ो मुझे, अबे छोड़। आप हम लोगों को ऐसे ऐसे क्यों पकड़े हैं आपने? छोड़ो मुझे। छोड़ उसे, आठ।
छोड़ मुझे, छोड़, छोड़ो, चलो, चल, छोड़ मुझे, छोड़ो, बे छोड़ो, अबे बांध क्यों रहे हो, अबे छोड़ो मुझे। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, 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 जय माता दी। चल 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 के चल, छोड़ो इसे, चलो जल्दी। रुको रुको, जॉली चलो यहां से जल्दी, चलो जल्दी। ये किन्नर तुझे उठा के क्यों ले जा रहे थे हाँ? और तेरे चक्कर में ये मुझे दीवार से क्यों बांध रहे थे? मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानती उन्हें। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, तूने जरूर कोई पंगा किया होगा इनके साथ, वो दुश्मनी होगी तेरी, इसलिए ये आए थे और ये सब कर रहे थे। सच में कुछ नहीं पता है। और चलो यहाँ से, इससे पहले कोई और मुसीबत पड़ जाए। चलो तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और वो लोग कौन थे जो यहाँ से भाग के गए? अरे यही तो नहीं पता हम दोनों कौन है और वो किन्नर थे। ये दिन आ गए मेरे, किन्नरों से हाथापाई करनी पड़ रही मुझे, और वो इसकी वजह से आए थे, इसकी वजह से, इसने ही कुछ पंगा किया उनके साथ। अरे तू पागल हो क्या? यहाँ सबके सामने तमाशा मनाने की क्या जरूरत है? और मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती उनको। हाँ, वो किन्नर तो मुझे लेने आए थे, तुझे गलती से उठा के ले जा रहे थे, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं ना, इसलिए तेरी वजह से हुआ ये। जब से तू जिंदगी में आई है ना, मेरे आसपास होती है, स्याप ही स्याप पे होते हैं, सब तेरी वजह से हुआ है। स्यापों की बात मत करो, तुम्हारी वजह से आज मैं इस मुसीबत में पड़ी हूँ। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मेरी जिंदगी में इतनी सारी मुसीबतें आ गई है। चलो यहाँ से चुपचाप, तुम्हें तो मुझे यहाँ हॉस्पिटल से लेकर आए हो। देखो मैं अभी भी कह रही हूँ, तमाशा मत बनाओ, चलो यहाँ से। और ये बार बार क्या हॉस्पिटल जाने की रट लगा रखी तूने? रट लगाऊंगी, जब तक मुझे तुम हॉस्पिटल नहीं पहुंचा देती ना, तब तक रट लगाऊंगी। वहां सब लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, तुम्हें तो बस अपनी पड़ी होती है, दूसरों के बारे में सोचते भी कहो। चलो अभी यहाँ से। अरे यार तुझसे कहा ना मत रट लगा, पहुंचा दूंगा तुझे अस्पताल। माँ की लीला भी अपरंपार है, ये बच्चे अभी नहीं समझेंगे। जिंदगी में एक दूसरे को इस दुनिया में यूं ही भगवान नहीं मिलाते, एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, इनको एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। जय माता दी, 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 जय। अरे वहां अकेले का चल दी मरने, अरे तुझे अस्पताल का रास्ता पता है क्या? तूने हरमन को कहीं देखा? नहीं पड़ जाएगी, हरमन को तो कहीं नहीं देखा। आप घर जाइए, हरमन दिखेगा तो हम भेज देंगे आपके। पक्का? पक्का, जाइए। अरे सुन, हरमन को कहीं देखा तूने? प्रजा जी आप अपने आप को संभालो, हरमन कहीं दिखेगा तो हम आपको बताएंगे, अभी आप घर जाइए। क्यों जाओ घर? क्या घर जाओ लगा रखा है? नहीं है घर में, न खुद के कमरे में, न मेरे कमरे में, न रसोई में है, न पूजा घर में, कहीं नहीं है, तो क्यों जाओ घर? गई यार है। बाबूजी माँ तो कहीं भी नहीं है। भाई साहब मैंने छत पर भी देख लिया, जीजी तो वहां पर भी नहीं है। यार कहाँ चली गई यार? भगवान उठे रो रही थी मैं, मैं होने आने पानी ला गया, दो मिनट में ऊपर गया, गायब हो गई कर दी की भैया जी। मामा जी, मामा जी, मामी जी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, बाहर भी मैंने सब जगह ढूंढ लिया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कहीं भी नहीं मिल रही है वो। नहीं नहीं किते, 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 किते चली गई है?
मैं इसको ढूंढ के रहूंगा। सालू ना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं ढूंढ के लाना। सब जगह देख लिया, घर में नहीं है तो बाहर ही होगा ना, तो मैं देख रही हूँ उसको कि बाहर कहीं है कि नहीं। तू बता, तूने कहाँ देखा उसे? ये हरमन को यहाँ सब जानते, हम में से कोई देखेगा तो आपको बताएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हरमन को वहां जाकर ढूंढना चाहिए जहाँ उसे कोई नहीं जानता। ओ मिस्टर जाली, रुको रुको रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे गोल गोली घुमा रही हो? ये रास्ता तो हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए नहीं लग रहा है। रुक, ये पत्ता कौन से पौधे का है और इसमें कौन से कलर के फल होते हैं, बता जरा। ये कैसा सवाल, मुझे क्या पता होगा पेड़ और पौधों के बारे में? मैंने कौन से पेड़ और पौधों के बारे में पढ़ा है? या फिर मैं जंगलों में रहती हूँ? तो मैंने क्या अपनी सारी जिंदगी ये सड़क बनाने में बिताई है? हैं? मुझे कैसे पता होगा ये रोड कहाँ जा रही है? मुझे सिर्फ इतना पता है कि सड़क है, सड़क किधर को जाती है, अब कहाँ को जाती है ये मुझे नहीं पता। एक तो जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है कि किसी रिक्शे वाले को रोक के बोल दे कि भाई हमें फला अस्पताल छोड़ दे। चाचा लग रहा मेरा, वो दिमाग खराब करती तू हर बात में। सुनना मेंटल, अच्छा रोमत, अरे नहीं बुलाऊंगा तुझे मेंटल, रोमत सुन यार, इधर आ, तू बात सुन। ठीक है रोमत यार, एक समझ बात को यार, थोड़ा सेंसिटिव इंसान हूं मैं लड़कियों को रोते हुए नहीं देख सकता। तो फिर क्यों मुझे यहाँ भगा कर लेकर आए? एक तो हॉस्पिटल वापस जाने का रास्ता नहीं पता है, जेब में पैसे नहीं है, हम जाएंगे कैसे वापस? आधी रात हो गई है और मुझे डर लग रहा है। सही कहती हूँ, धक्कन हो तुम। यार हर चीज का इल्जाम मुझ पे मत लगा यार, रुक। मेरे पास एक आइडिया है। क्या है? मामी जी, ओ गुल्लू, प्रीत ने देखा कि थे? जय जी अभी इधर आई थी, हरमन को ढूंढ रही है। किरे पास से गई है? उठे मामी जी। सुनिए सुनिए जी, वो आप मुझे जानते हैं? जी नहीं, कौन है आप? तो मेरे बेटे को भी नहीं जानते? नहीं। तो फिर बताओ उसे कहाँ देखा? अरे जब मैं आपको या आपके बेटे को जानता ही नहीं, कमाल है, अरे मैं कैसे बता दूँ? ओ सबने कहा है कि जहाँ हरमन को कोई नहीं जानता वहाँ जाके ढूंढो, वहाँ पर लोग बताएंगे कि उसे कहाँ देखा है, तो बताओ मेरा बेटा कहाँ है? कमाल है। नहीं बताओ, बताओ 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 कहाँ है मेरा बेटा, पता नहीं तो मारूंगी। अरे कमाल करी है, मैंने जो बोल दिया मैंने देखा ही नहीं। अरे ये पागल हो रहा है यार, मार देगी। अरे कोई मुझे बचाओ, ये पागल हो रहा है। अरे